बीती रविवार की रात को उत्तराखंड एसटीएफ ने हल्द्वानी क्षेत्र में अचानक छापेमारी कर पहाड़ से अवैध लीशा तस्करी का भंडाफोड़ कर लीशा से लदा वाहन जब्त किया। उसके साथ ही एक तस्कर को भी हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ हल्द्वानी में लीशा तस्करी का एक मुकदमा और साल 2017 में शराब तस्करी का एक मुकदमा भी दर्ज है। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल द्वारा वन संपदा और वन्य जीव तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध एसटीएफ टीम को एक्शन मोड में लगाया गया है। एसटीएफ टीम को लगातार सूचना मिल रही थी कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से लीशा की तस्करी भी की जा रही है, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। इस कड़ी में बीती रात सीओ एसटीएफ सुमित पांडे और प्रभारी निरीक्षक एमपी सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ टीम के द्वारा हल्द्वानी क्षेत्र के रामपुर रोड स्थित पंचायत घर के पास छापा मारकर एक लीशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर एक तस्कर मौके से फरार हो गया। एसटीएफ टीम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों तस्करों द्वारा अवैध लीशे को वाहन में खड़िए के कट्टों के नीचे छिपाकर लाया जा रहा था। मौके से टीम ने 190 टीन लीशा बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी तस्कर का नाम जगमोहन तिवारी है, जो कि वाहन स्वामी भी है। वहीं फरार तस्कर की पहचान सोबन सिंह के रूप में हुई है। इस मामले में हल्द्वानी वन विभाग ने दोनों तस्करों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही फरार आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है।